अब भाई 100 आदमी को एक स्टेट से क्या टकराएगा, हमारी कोई बैरिकेड तोड़ के जाने की भी मंशा नहीं। हम तो बोले पीसफुली पैदल जरूरी वस्तुएं लेके आगे बढ़ेंगे। और दुनिया की इतनी बड़ी महाशक्ति हमारे ऊपर अगर हंजू गैस मारेगी, रबड़ की गोलियां चलाएगी, तो दुनिया में क्या होगा। ये मोदी जी को हम तो कहते भगवान सद्बुद्धि दे, गृह मंत्री जी को सद्बुद्धि दे, हमारी बात नहीं माननी, कम से कम अपने उपराष्ट्रपति जी की तो बात मान लीजिए। हम वही बोल रहे हैं जो आपने चिट्ठी 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लिखी थी, जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के आप चेयरपर्सन थे, पीए एमएसपी को पक्का करें। हरियाणा में जाने की भी, हरियाणा अंबाला में धारा 163 लग रही है, किया परमिशन की जरूरत है, यहाँ नहीं रहे परमिशन लेके, परमिशन लाए, परमिशन ले, आप अपना एजेंडा दूसरा करें, आप असली मीडिया नहीं हो, आपका एजेंडा दूसरा है, अरे आपका एजेंडा दूसरा है, आप गलत कर रहे हो, आपका एजेंडा गलत है। किसान जो थे हम कोशिश कर रहे थे उनके द्वारा जिस तरह से बैरिकेड तोड़े गए, जो निकले वहाँ पर कील लगाए गए थे उनको तोड़ा गया, तो लगातार जा रहे हैं, ये तस्वीरें सारे देख रहे हैं। तो और बंदा परे जो भी सरकार वहां पे अपना एक्शन करेगी, गोली चलाएगी सरकार, आंसू गैस चलाएगी, क्लस्टर बम चलाएगी, रबड़ की गोलियां चलाएगी, लाठी चार्ज करेगी, वाटर कैनन यूज करेगी, कुछ भी, वहां पे जबर का मुकाबला सबर से करा जाएगा। हमारे तरफ से एक कंकर तक नहीं चलाया जाएगा, और जो सरकार करेगी उसको हम अपने जो शरीर पे झेल के दुनिया को बताएंगे कि ये है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बोला जाता है। पानी पाते डैमेज भी किया जा रहा है।
देखिए ये जो शेल्स हैं, ये जो हमारा जत्था है उसके पीछे जो मीडिया की बफर जोन है जहां मीडिया के साथी मौजूद थे, ये मीडिया के ऊपर गिराए गए हैं और ये इसलिए गिराए गए हैं ताकि मीडिया यहां से तितर बितर हो जाए। चार लोग जख्मी हुए हैं जिसमें से दो बहुत क्रिटिकल हैं, दो अभी अभी उनकी स्थिति पता नहीं है लेकिन दो बहुत क्रिटिकल हैं। किसान जो थे उनके बचाव कोशिश कर रहे थे, उनके द्वारा जिस तरह से बैरिकेड्स तोड़े गए जो निकले शंभू बॉर्डर पर, एक बार फिर से हालात जो है वो काफी तनावपूर्ण बने हैं। किसान एक तो एक की जगह तो अंडर शेयर कर रहे हैं। हमारे औरतें तो शांति है, सरकार बल प्रयोग कर रही है हमारे। मैं पोजीशन को देखने जा रहा हूँ। क्या क्या आगे एक्शन जा रहा है? अभी तक किसान इंजर्ड हुए हैं? मुझे अभी रिपोर्ट नहीं है लोंगोवाल वाले पर। सर अभी तक कितने किसान इंजर्ड हुए? हाँ देखिए, अभी 5-6 की खबरें इस तरह का। हाँ देखिए, ये इस तरह सब इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, ये सब हो रहा है। क्या कहेंगे? बहुत जबर कर रही है सरकार पीसफुली। हमने तो फिर अपील की है कि आप चेक करके हमें आगे जाने दीजिए। आगे क्या करेंगे? अभी देखिए, अभी अभी करते हैं, अब सारी सिचुएशन पे हम निगाह रख रहे हैं। हम तो आज भी आपको अपील करते हैं, एसपी अंबाला को भी मैंने बोला है, आप चेक कर लो या बातचीत से मसले का हल करो या पीसफुली हमें आगे जाने दो। देश हमारा है, जिसके नागरिक हैं हम, कोई दूसरे देश से आए हुए लोग नहीं है। हमारे साथ जो दुश्मन देश के नागरिक जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। हम अन्नदाता हैं, अन्नदाता आपको सरकार बनाता है। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि दे भगवान, वो बल प्रयोग से पीछे हटे, अपनी उपराष्ट्रपति की बात मानकर बातचीत का रास्ता खोले। ये देखिए, अभी मैं टेक्निकल इसके बारे में कुछ मुझे नहीं ज्ञात है। हाँ हाँ, वो तो जैसे गैसें भी हमारे लोगों के ऊपर फेंकी गई, गैस फेंकी गई, अब हंजू गैस इस्तेमाल जोर से हो रहा, फूल साहब के जख्मी होने की खबर है और कुछ लीडर और भी हैं जिन जो जख्मी हुए हैं। आप निहत्ते जा सकते थे क्या? वोट जाएंगे निहत्ते जा सकते थे आप? बिल्कुल, हम तो निहत्ते ही है ना। हाँ, जाएंगे, नहीं जाने दिया नहीं। देखो देखिए, अगर कोर्ट होता भारत में न्यायपालिका तो हमें तो जाने देती है, बैरिकेड ना करता। ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है, जुल्म है देश के अन्नदाता के ऊपर। दुनिया की महाशक्ति, चौथी पांचवी महाशक्ति, जिसकी तीसरी बड़ी आर्मी है, वो निहत्थे लोगों पर वार कर रही है, ये उचित नहीं है।